नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। बिहार में एक बार फिर से कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों से सुरक्षित और सावधान अपने घरों में रहने के लिए कहा गया है, ताकि आप बिना मतलब के बाहर ना निकले और कोई भी दुर्घटना का शिकार ना हो। आपको बता दें, इन दिनों बिहार में मौसम का रुख काफी बदला सा नजर आ रहा है। लगातार बारिश हो रही है, गर्मी से लोगों को राहत भी मिल रही है, लेकिन इसी बीच मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में अलर्ट भी जारी किया है। बिहार में लगातार पिछले कुछ दिनों से मौसम सक्रिय है। प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार कुछ दिनों से बारिश भी हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र यानी कि IMD ने आज राज्य के कई जिलों में बारिश के साथ वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। बिहार के कई जिलों में आज भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के सिस्टम का रुख अब बदल गया है। इस कम दबाव की प्रणाली में अब अपनी दिशा बदल ली है और उत्तरी दिशा में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की ओर स्थानांतरित हो गई है। इससे बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। IMD के अनुसार बिहार के कई इलाके में आसमान में बादल छाए रहेंगे और बारिश होने की संभावना है। पिछले कई दिनों से राज्य में बारिश हो रही है, जिससे मौसम काफी सुहाना है। IMD ने बिहार के कई इलाकों में 20 सितंबर तक खराब मौसम रहने की भविष्यवाणी भी की है। अच्छी बारिश के लिए जरूरी ट्रफ लाइन बिहार पर मेहरबान है। उत्तरी और दक्षिण बिहार में ये ट्रफ लाइन लगातार आ और जा रही है, जिससे प्रदेश में बारिश की कमी काफी हद तक पूरी हो जाएगी। फिलहाल प्रदेश में खेती के लिए बारिश अमृत साबित हो रही है। पटना मौसम केंद्र के अनुसार रविवार को पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर जिले में झमाझम बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा पूरे बिहार में कहीं कहीं छिटपुट पानी भी गिर सकता है, यानी कि आने वाले 20 सितंबर तक बिहार में जो मौसम है वो काफी अच्छा रहने वाला है। लेकिन इसके साथ ही मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना, शिवहर, ये सब जिलों की अगर बात कर ली तो यहाँ भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को अपने घरों में सावधान और सुरक्षित रहने को कहा गया है कि बिना काम से आप घर से बाहर ना निकले, खुले स्थान पर ना जाएं, क्योंकि वज्रपात की भी आशंका जताई जा रही है। और आप जानते हैं कि बिहार में किस तरीके से लगातार खबरें भी आती रहती है कि बिजली गिरने से लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण सरकार ने ये अलर्ट जारी किया है, ताकि लोग अपने घरों में सुरक्षित रहे, सावधान रहें और उनको कोई खतरा न हो। और खासकर काफ़ी लंबे समय से अगर बात करें तो बिहार के लोग बारिश का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि हर साल के मुकाबले इस बार औसत से भी 30-31% कम इस बार बिहार में बारिश हुई है। और जो किसान वर्ग के लोग हैं उनमें काफ़ी उदासी देखी जा रही थी, वो काफ़ी परेशान थे कि बारिश आखिर क्यों नहीं हो रही। लेकिन जब अब अच्छी बारिश होने लगी है तो किसानों के लिए बारिश अमृत समान है। उनकी फसल फिर से एक बार जाए, ये उनके मन में अब उम्मीद जगी है। तो अब देखने वाली बात होगी कि 20 तारीख तक कैसी बारिश होती है, पूरे राज्य का मौसम कैसा रहता है, इस पर नजरें बनी रहेंगी। आप देख रहे लाइव सिटीज, हमारे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।